की लापरवाही से यह हादसा हुआ। स्कूटी से जा रही ऐश्वर्या कार से टकराई। कार ड्राइवर ने अचानक खोला था दरवाजा, दरवाजे से टकराने के ऐश्वर्या की मौत हो गई। पुणे में काम करती थी ऐश्वर्या, 14 फरवरी को ऐश्वर्या की शादी हुई थी। तो ये देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि ड्राइवर अचानक से चलती गाड़ी में दरवाजा खोल देते हैं, और यही ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है इंदौर में, जब सड़क हादसे में इंजीनियर की मौत का मामला ड्राइवर की लापरवाही के चलते हादसा हुआ। दरअसल स्कूटी से जा रही ऐश्वर्या कार से टकरा गई। कार ड्राइवर ने अचानक से खोला था दरवाजा, दरवाजे से टकराने के दौरान ऐश्वर्या की मौत हो गई। पुणे में काम करती थी ऐश्वर्या, 14 फरवरी को ऐश्वर्या की शादी हुई थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, अक्सर ये देखा जाता है सड़कों पर कि ड्राइवर अचानक से दरवाजा खोल देते हैं, और इसके चलते एक बड़ा हादसा सामने आया है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी लापरवाही मानी जाती है कि अगर कभी भी आप ड्राइविंग सीट में बैठे या कार के किसी भी गेट पे आप बैठे तो हमेशा कार के गेट को देख कर खोलना चाहिए कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा। और ऐसे ही कुछ एक हादसा इंदौर के विजयनगर में हुआ। ऐश्वर्या जो है 14 फरवरी को उनकी शादी हुई थी। पुणे के एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनके पति जो सुबह में वो भी उनके साथ वही काम करते थे। कुछ दिन पहले ही पति पत्नी दोनों पुणे से इंदौर आए थे। सुबह में इंदौर के रहने वाले, ऐश्वर्या धार जिले की रहने वाली, आज वो अपने घर जाने वाली थी, लेकिन दोस्तों से मिलने के लिए वो अपने पति के साथ गई। मेघदूत चौपाटी से नाश्ता करते समय जब वो बाहर निकली और उनके पीछे उनके पति भी चल रहे थे, स्कूटी चला के जब वो आगे जा रही थी, अचानक से ड्राइवर ने गेट खोल दिया, उससे वो टकराती है। उनकी नाक में और चेहरे पे गंभीर चोट लगती है। जब तक उन्हें अस्पताल लेकर उनके पति पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं, क्योंकि नाक से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी और इंटरनल चोट भी लगी हुई थी सर के अंदर में। तो ये एक बड़ा हादसा हुआ है, और मैं छोटी सी, लोग छोटी छोटी जो गलतियां करती हैं वो कितना बड़ा हादसा बन सकता है, ये तस्वीरें सामने हैं। क्या लिया गया इस पर मिथिलेश? आरोपी ड्राइवर को तत्काल वहीं गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ में केस दर्ज किया जा रहा है। आसपास की जो सीसीटीवी भी जो है वो भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है। अगर ड्राइवर का कहना ये है कि उसने अचानक से गाड़ी रोकी, शायद उसकी गाड़ी का सीएनजी खत्म हो गया था वो देखने के लिए, लेकिन शायद उस वक्त अगर वो पीछे देखता तो जो 28 साल की ऐश्वर्या है, जो बड़े सपने लेकर पुणे गई थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, कुछ दिन पहले ही वो लौटी, शायद वो आज सबके बीच में होती, आज वो जिंदा होती। लेकिन आज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये दुखद घटनाक्रम सामने आया है, और अब ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सतना में मनीष सिंह नाम के युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सामने आया है। मारपीट की घटना 4 जून की बताई जा रही है, जहां दर्जन भर बदमाशों ने मनीष सिंह के साथ मारपीट की, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वारदात के बाद पीड़ित युवक का आरोप है कि मामले में पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है, और ये पूरा मामला देखिए, मारपीट का जो वीडियो है वो सामने आया है, और इस मारपीट के बाद पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है, ये पीड़ित पक्ष का आरोप है। किस बात को लेकर विवाद हुआ, क्यों ये मारपीट हुई है, पूरा मामला अब जांच का विषय है, लेकिन इसका वीडियो सामने आने के बाद अब हो सकता है कि इसमें पुलिस की कार्रवाई हो, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। जगदलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां न्यूज 18 ने बारिश से पहले रेत माफिया के एक्टिव होने की खबर दिखाई थी। बारिश से पहले रेत माफिया ने बड़ी मात्रा में रेत का अवैध स्टॉक जमा कर लिया है। खबर दिखाए जाने के बाद खनन विभाग नींद से जागा। खनिज विभाग के अफसर उस जगह पहुंचे जहां माफिया ने बड़े पैमाने पर रेत का अवैध स्टॉक जमा कर रखा था, और इससे विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर प्रशासन की नाक के नीचे कैसे हजारों टन अवैध रेत जमा कर लिया गया, और विभाग ने रेत खदान से एक चेन मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। इतने बड़े पैमाने पर अवैध रेत का स्टॉक देखकर अफसर भी हैरान रह गए। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। रेत के अवैध भंडारण की पटवारी से जांच करवाई जाएगी। बस्तर कलेक्टर ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए। न्यूज 18 की खबर का बड़ा सा हुआ, रेत के अवैध स्टॉक की जांच अब होगी। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, और जैसे ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया, उसके पहले ही रेत का अवैध तरीके से भंडारण माफियाओं के द्वारा कर लिया गया, और इस पूरी खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। और संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, कैसे न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है?
श्रीनिवास, कैसे इस न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है? देखिए, पूरा मामला चितारोड पंचायत है, पकौड़ ब्लॉक का है, जहां पर अवैध रेत भंडारण किया गया था। भारी मात्रा में हजारों टन रेत का भंडारण हुआ था। इस मामले को लेकर बस्तर कलेक्टर तक बात पहुंची। बस्तर कलेक्टर ने तत्काल ही खनिज विभाग के अधिकारी को मौके के लिए रवाना किया था। जब मौके पर जब अधिकारी पहुंचे तो उनके भी होश उड़ गए। हजारों टन क्यूब जो रेत है उसका अवैध भंडारण किया गया था। मौके पर पहुंच के अधिकारियों ने जो रेत भंडारण करने वाले चार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही जो चेन मशीन है, ट्रैक्टर है, ट्राली, उसको भी जब्त किया है। साथ ही जो अवैध रेत जो भंडारण किया गया है वो कितनी मात्रा में किया गया, इसकी जांच पटवारी से की जाने की बात कही है। क्योंकि न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि अवैध रेत का परिवहन लगातार जिले में किया जा रहा है, इसको लेकर माइनिंग विभाग खामोश है, चुप है, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। जिस पर बस्तर कलेक्टर ने तत्काल ही माइनिंग विभाग को सख्त निर्देश दिया कि मौके पर जाकर जो अवैध रेत भंडारण किया जा रहा है बारिश के पहले उचित दामों में बेचने के लिए, उस पर कार्रवाई किया जाए। जिसके बाद बस्तर कलेक्टर के आदेश के बाद माइनिंग विभाग जागा है और मौके में पहुंचकर अवैध रेत भंडारण का जो जांच है उसको कार्रवाई करने की कार्रवाई कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रीनिवास। तो इस तरीके से देखिए, अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। एक चैन माउंटेन मशीन और ट्रैक्टर ट्रक को भी जब्त किया गया है। जिंदगी की जंग हार गई आरोही। जी हां, 17 घंटे बोरवेल में फंसी बच्ची ने दम तोड़ दिया। एनडीआरएफ फायर की टीम ने बच्ची को निकाला बाहर। डॉक्टर की टीम ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। सुरागपारा गांव में कल बोरवेल में बच्ची गिर गई थी। गुजरात के अमरेली में 1.5 साल की बच्ची अचानक से बोरवेल के गड्ढे में गिर गई थी और उसको निकालने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन अब ये पूरा घटनाक्रम बच्चे की मौत। महाकाल मंदिर की हर साल करोड़ों की आय होती है, लेकिन उसके बाद भी मंदिर पर 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बकाया है। 27 सालों से मंदिर प्रबंधन समिति ने टैक्स जमा नहीं किया, आखिर क्यों, आइए जानते हैं। ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में करोड़ों का दान भी आता है, लेकिन इसके बाद भी महाकाल मंदिर पर फिलहाल 1 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स बकाया है। ये देनदारी उज्जैन नगर निगम की है। मंदिर पर 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा की देनदारी है। बताया जा रहा है कि 27 सालों से मंदिर समिति ने टैक्स नहीं भरा है। करोड़ों की आमदनी, लाखों बकाया, महाकाल मंदिर पर 1 करोड़ की देनदारी। मंदिर पर नगर निगम का टैक्स है बकाया, 32,43,000 का वाटर टैक्स है बाकी, 80 लाख से ज्यादा अन्य टैक्स भी बकाया। 27 सालों से समिति ने नहीं भरा है टैक्स। करीब 100 करोड़ है मंदिर की सालाना आय। धार्मिक स्थलों को संपत्ति कर से है छूट, धार्मिक स्थलों को देने होते हैं अन्य टैक्स। उज्जैन के महापौर मुकेश टाटवाल ने बताया कि मंदिर प्रबंधन समिति को सूचना देने के बाद भी जलकर नहीं चुकाया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के खर्चे बढ़ गए हैं, संसाधनों को बढ़ाने के लिए शहर के लोगों के साथ ही मंदिर प्रबंधन समिति को भी टैक्स का भुगतान करना चाहिए। उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था करना, स्वच्छता का ध्यान रखना, पानी की व्यवस्था करना, तो नगर निगम का कोई आय का साधन नहीं बढ़ा है। जो हमारे संसाधन है हम लोग कर रहे हैं, तो सभी लोगों को, चाहे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति हो या आम नागरिक हो जो नगर निगम की सेवाओं का उपयोग करते हैं या जल का उपयोग करते हैं नल कनेक्शन के माध्यम से, तो मेरा उन सबसे भी अनुरोध है कि उनको अपना अपना कर समय पर जमा करें ताकि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से कर सके। महाकाल मंदिर सहित शहर के सभी धार्मिक स्थलों को संपत्ति कर में छूट मिली है, लेकिन अन्य टैक्स देने होते हैं। कलेक्टर नीरज सिंह ने कहा कि नगर निगम के टैक्स के मामले में छूट मिल जाए, इसके लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। मंदिर समिति ने इसमें ये निर्णय लिया है कि शासन को प्रस्ताव भेजा जाए कि संपत्ति कर की श्रेणी में मंदिरों को न रखा जाए। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को श्रद्धालुओं के दान से करोड़ों की आमदनी होती है। मंदिर समिति को अप्रैल 2023 में जनवरी 2024 तक 144,67,00,000 से ज्यादा की आय हुई थी, लेकिन इसके बाद भी मंदिर प्रबंध समिति टैक्स जमा नहीं कर रहा। नगर निगम टैक्स की मांग कर रहा है, तो कलेक्टर टैक्स में छूट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कर रहे हैं। अजय पटवा, न्यूज 18 उज्जैन। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।